हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कोठारी कमीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से, और बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जैसे कि आईएएस यूपीएससी। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको हम समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर, फिर इसकी नीड्स देखेंगे, एम देखेंगे और रिकमेंडेशन देखेंगे। तो इसको वन बाय वन करते हैं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी पहले इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कमीशन ने पूरे एजुकेशन एस्पेक्ट को कवर किया। मींस इससे पहले जितनी भी कमीशंस आई थी उन्होंने सिर्फ एक एस्पेक्ट को कवर किया, जैसे कि मुडालियर कमीशन था उसने सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर बात की, उससे पहले जो कमीशन आई थी उसने सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बात की। तो ये जो ऐसा कमीशन था, इसने एजुकेशन के जितने भी फील्ड्स होते हैं, मीन्स टेक्स्ट बुक हो गया, करिकुलम हो गया, तो ऐसी टीचिंग मैथड है, टीचर्स के ऊपर हो गया, स्टूडेंट्स के ऊपर हो गया, ये क्या कहते हैं स्ट्रक्चर्स हो गया एजुकेशन का, तो सारे एस्पेक्ट को कवर कोई करे, ऐसी कमीशन चाहिए थे जो उसके डिफेक्ट्स और रिकमेंडेशंस भी बताए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक अचानक से सडनली 1964 के अंदर एक ऐसा कमीशन बनाया इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, इसलिए इसको एडहॉक कमीशन कहते हैं, जो अचानक से किया जाता है और एक टास्क के लिए पर्पस उसका निर्धारित किया जाता है अचानक से, तो उसको हम एडहॉक कहते हैं। तो इसलिए इसको एडहॉक कमीशन कहा जाता है। ये फॉर्म हुआ था 14 जुलाई 1964 के अंदर, और इसके जो चेयरमैन रहे थे वो दौलत सिंह कोठारी रहे थे। दौलत सिंह कोठारी जो है वो चेयरमैन थे उस टाइम के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के भी, और इस कमीशन के अंदर पूरे 17 मेंबर्स थे, ठीक है। उनमें से 5 जो थे वो फॉरेन के मेंबर्स थे, जो कि अब जापान, यूएसए, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज से थे 5 मेंबर्स इन्हीं 17 मेंबर्स में से। और इसको स्टार्ट करने के लिए इसमें क्या किया गया, 12 टास्क फोर्स बनाए गए और 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है। मींस अलग अलग एस्पेक्ट्स को कवर किया, जैसे कि इसमें अडल्ट एजुकेशन, वोकेशनलाइजेशन, वर्क एक्सपीरियंस, टीचिंग मेथड, तो ऐसे ये 12 जो हमारे पास अलग अलग फील्ड्स हैं उसको कवर करने के लिए 12 ग्रुप्स बनाए गए। ऐसे ही 7 वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए। टास्क ग्रुप वो होते हैं जो छोटे ग्रुप होते हैं और जो कि पर्टिकुलर टास्क के लिए होते हैं। वर्किंग ग्रुप में क्या है कि वो जो ग्रुप है वो किसी और टास्क के ऊपर भी काम कर सकता है, इसलिए इसको अलग अलग लिखा गया, और इसका कोई मतलब नहीं है, ये मतलब है सभी इकट्ठे ही, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे काम किया, इसलिए इसको टास्क फोर्स कहते हैं। ये जो है मल्टीपल वर्किंग ग्रुप जो है मल्टीपल टास्क के ऊपर काम कर सकते हैं। फिर है हमारे पास टू स्टडी द वेरियस एजुकेशन प्रॉब्लम, बहुत सारी एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर इस कमीशन ने क्या किया, 100 डेज स्पेंड किए, किस चीज़ पे विजिट किया, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, स्कूल्स के अंदर इंटरव्यूज़ लिए, थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ लिए। उसके बाद उन्होंने इस कमीशन को 2 अक्टूबर 1964 के अंदर जो है स्टार्ट किया था और इसको सबमिट कर दिया। 1600 पेज इसके इस रिपोर्ट के उन्होंने लिखे और इसको सबमिट कर दिया June 29, 1966 के अंदर, और इस रिपोर्ट को टाइटल दिया एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये इस जो मतलब जो ये 1600 के पेजेस थे रिपोर्ट के ऊपर टाइटल लिखा जाता है, तो उसका टाइटल ये था। उसके बाद है रिपोर्ट को सबमिट किया गया एमसी चंगला के, जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे उस टाइम के, उनके अंडर, और कमीशन जो है डिसॉल्व हो गया ऑन सेम डे, ठीक है। सेम डे ही इसको फिर क्या कर दिया गया, 1966 के अंदर जून के अंदर इसको डिसॉल्व कर दिया गया। अब हमारे पास कोठारी कमीशन की नीड क्या रही, क्यों इसको फॉर्म किया गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी नीड थी वो थी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। मींस कि गवर्नमेंट चाहती थी कि एजुकेशन ऐसी हो जो कि हमारे नेशन को आगे लेके जाए, हमारे जो इकोनॉमी है वो बढ़े, हमारी ग्रोथ बढ़े नेशनल, तो इसलिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। फिर था कि फॉर्मेशन ऑफ करैक्टर बिल्डिंग, मीन्स कि बच्चे की जो एजुकेशन है वो उसके करैक्टर का निर्माण करे और मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज जो है वो डेवलप हो, और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सिर्फ एकेडमिक पार्ट पर फोकस करे, बहुत ज़्यादा एकेडमिक पार्ट हो, उसमें गेम्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन ये सब भी इंक्लूडेड होने चाहिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी इंक्लूडेड होना चाहिए, और एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को भी, मींस वोकेशनलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसको भी इस कमीशन ने फिर आगे बताया, उसकी नीड जो है गवर्नमेंट को फील हुई थी, तो ये सारी बातें जो है फिर कोठारी कमीशन ने अपनी कमीशन में कवर करी थी। अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कोठारी कमीशन के, तो मतलब जब कोठारी कमीशन स्टार्ट हुआ था तो क्या उनके माइंड में था, सबसे पहले कि रिव्यू करना है कि उनको पूरे एजुकेशन सिस्टम को, फिर है कि फॉर्मुलेट करना है पॉलिसीज और रिकमेंडेशन को ताकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो नेशनल इंटीग्रेशन कर सके, ठीक है। तो ये दोनों बातें ऑब्जेक्टिव्स थी। फिर हम देखते हैं रिकमेंडेशन कौन कौन सी हैं। अब हमारे पास रिकमेंडेशन बाय द कोठारी कमीशन जो कि बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा सजेशन कोठारी कमीशन ने दिए, क्योंकि उन्होंने अलग अलग फील्ड के ऊपर काम किया था, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग सजेशन भी दिए। तो ये 23+ सजेशंस हैं, तो मैंने ट्राई किया है कि मैं 15+ इसमें हैं, क्योंकि बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने इन्हीं पॉइंट के अंदर कवर करने की कोशिश करी है, लेकिन आप अपने नंबर ऑफ जो पेपर है, नंबर ऑफ जो आपके पास पेजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 से 6 पेज भरने होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ये रिकमेंडेशंस लिख सकते हैं। सारी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मार्क्स कट नहीं करेगा, लेकिन आप कोशिश करो कि इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है वो आप ज़रूर करो। जैसे कि इसकी इंपॉर्टेंट मैं बताती जाऊँगी साथ साथ, जैसे वेमेन
एजुकेशन है, 3 language formula है वो कोठारी कमीशन का मेन है, इस तरह से काउंसलिंग है, मेथड ऑफ टीचिंग है, तो ये सारे जो फर्स्ट आप 10-12 देख सकते हैं ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें गेम्स और आर्ट्स को भी रखा गया था, फिजिकल एजुकेशन को भी रखा गया था, वो मैंने कहीं स्किप भी करी है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट सारी इसमें कवर अप की गई हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 1986 की पॉलिसी ने इसी में से रिकमेंडेशन उठाई थी, ठीक है, तो इसमें से बहुत सारी रिकमेंडेशन आप 1986 की पॉलिसी में भी देखेंगे, लेकिन 1986 की पॉलिसी ने उन रिकमेंडेशन पे काम किया, इन्होंने सिर्फ सजेशन दिया कोठारी कमीशन ने, ठीक है, लेकिन कोठारी कमीशन से इंस्पायर होकर ही 1986 की पॉलिसी ने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर काम किया था। तो वन बाय वन इसको देखते हैं हमारे पास कि एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। कोठारी कमीशन ने सजेशन किया कि हमारी एजुकेशन का एक एम होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए कि ऐसा हो कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, उसके लिए साइंस एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल एजुकेशन को इंक्लूड किया जाए, और इसके अलावा सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो होनी चाहिए कि एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन ऐसी हो जो मॉडर्नाइजेशन को इम्प्रूव करे, डेवलप करे हमारी डेमोक्रेसी को, हमारी मॉरल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को भी डेवलप करे, ठीक है। फिर कोठारी कमीशन का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की है कोठारी कमीशन ने, कि अंटिल जब तक बच्चा 14 ईयर का नहीं हो जाता, ये मोडालिर कमीशन ने भी इस कमीशन पे बात करी थी, और इसी पॉइंट के ऊपर 1986 की पॉलिसी ने भी इससे इंस्पायर होकर इसके ऊपर काम किया था। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, रिड्यूस वेस्टेज और स्टैग्नेशन, और कंप्लीट दी प्रिस्क्राइब्ड कोर्स बाय द चाइल्ड, जो भी बच्चे ने कोर्स लिया है उसको कम्प्लीट करें, उसके ऊपर फोकस किया जाए। नेक्स्ट है एजुकेशन स्ट्रक्चर। कोठारी कमीशन ने एक स्ट्रक्चर दिया 10+2+3 का, कि 10 ईयर्स जो है सेकेंडरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन में कवर हो जाएं, 2 ईयर जो है हायर सेकेंडरी में, और 3 ईयर जो है वोकेशनल एजुकेशन में कवर हो। ये बहुत पॉपुलर रहा था उस टाइम पे, और फिर 1986 की पॉलिसी ने भी इसी स्ट्रक्चर को आगे कंटिन्यू रखा। तो ये आप जो पॉइंट है ये ज़रूर लिखें अपने एग्जाम के अंदर। फिर ग्रेजुएशन जो है वो 3 ईयर्स की, मास्टर डिग्री जो है 3 ईयर्स की या 2 ईयर्स की, और रिसर्च भी 2 या 3 ईयर्स की होनी चाहिए। फिर हमारे पास करिकुलम, वो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। वेज फॉर्मूला है वो बहुत पॉपुलर हुआ था, कोठारी कमीशन ने जो सजेशन दिए थे तो वो भी आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने नोट्स के अंदर। तो करिकुलम को उसने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था, एक है हमारे पास लोअर सेकेंडरी और एक है हायर सेकेंडरी, जिसमें 8th से 10th है, और इसमें 9th-10th के जो बच्चे हैं, सॉरी +1+2 के बच्चे हैं, वो हायर सेकेंडरी में आ जाएंगे। फिर इनके क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो बताया इसने, कि जो लोअर क्लासेज हैं उसके अंदर 3 language formula होना चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, और इंग्लिश होनी चाहिए, और जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर मदर टंग तो यही हो जाएगी, और कोई भी इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज हो वहाँ पे इंग्लिश हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, कोई भी अदर इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज वहाँ पे हो, ठीक है। तो ये 3 language formula था। फिर हमारे पास मैथ, साइंस, एसटी, ये हमें पता है ये कॉमन सब्जेक्ट्स थे। मॉरल स्पिरिचुअल एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज किया, और वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर भी सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर ही होनी चाहिए, जिसमें टेक्निकल और एग्रीकल्चर वैल्यू के ऊपर जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। फिर हमारे पास हायर सेकेंडरी, इसमें भी आगे जो है 2 languages की बात की गई, कि हायर सेकेंडरी में 2 languages चूज़ करनी चाहिए एक बच्चे को। फिर इसमें भी कंपलसरी और चॉइस बेस्ड सब्जेक्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी होने चाहिए, बाकी इसमें से कोई भी बच्चा 3 subjects चूज़ कर सकता है, ठीक है। हमारे पास गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये मोडालिर कमीशन से मिलता जुलता है, कि जैसे उसमें था हमारे पास कि ट्रेंड हमारे पास ऑफिसर्स होने चाहिए, मास्टर्स होने चाहिए, जो कि बच्चों को गाइड कर सके, उन्हें उनकी काउंसलिंग कर सके, बहुत सारे ब्यूरोज खोलने चाहिए जो कि एजुकेशन गाइडेंस के लिए हों, और इसके अलावा रिसर्च करनी चाहिए कैसे मतलब बच्चे की काउंसलिंग की जा सकती है, उसके लेवल को अंडरस्टैंड किया जा सकता है, उसको प्रिपेयर किया जा सकता है, तो इसलिए उसके लिए टेस्ट भी प्रिपेयर करने चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास मेथड ऑफ टीचिंग और स्टेटस एमोल्यूमेंट्स ऑफ टीचर क्या होने चाहिए, और टीचर एजुकेशन के ऊपर बात की कोठारी कमीशन ने, कि जो मैथड ऑफ टीचिंग है वो फ्लैक्सीबल और डायनमिक होने चाहिए, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए। आप इन सबको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मैंने इसको थोड़ा शॉर्टकट कीवर्ड में लिखा है, डिफ्यूजन ऑफ न्यू मैथड्स के, वो इसके अंदर नए मैथड्स को इंक्लूड किया जाए। एक क्लास में जो रेशियो है टीचर और स्टूडेंट का भी ये होना चाहिए, और टीचर शुड अटेंड दी वर्कशॉप इन सर्विस प्रोग्राम और ट्रेनिंग, ताकि वो अपने मेथड्स को इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा एक टीचर का जो स्टेटस है उसका करैक्टर जो है वो अच्छा होना चाहिए, एक ऑनर्ड प्लेस होना चाहिए उसका सोसाइटी के अंदर, और एमोल्यूमेंट्स के अंदर उसको एक सेटिस्फैक्ट्री सैलरी देनी चाहिए उसकी फील्ड के अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और टीचर एजुकेशन की बात की जाए तो क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम्स बनाने चाहिए एक अच्छा टीचर बनने के लिए, जैसे बीएड है उसके अंदर एक हमारे पास अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए हैं, तो क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम है। फिर न्यू प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो बनाने चाहिए, ताकि टीचर अपना आगे करियर जो है वो बढ़ाना चाहती है उसके लिए इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग और फैसिलिटीज़ के अंदर। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो टीचर के लिए बनाने चाहिए, फ्लैक्सीबल होने चाहिए और प्लान्ड होने चाहिए।
एग्जामिनेशन और इवेल्यूएशन, इसमें कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन को रिड्यूस करना चाहिए, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो मिनिमाइज होने चाहिए, रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्जाम होने चाहिए, इंटरनल टेस्ट जो है उसको भी इंक्लूड किया जाए फाइनल इवेल्यूएशन के अंदर, जो कमीशन जो है वो एम्फेसाइज करे ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर प्रॉपर जो है सिस्टम का रिकॉर्ड होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, इसमें कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास वोकेशनलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करें कि कोठारी कमीशन ने इस पर क्या सजेशन दिए। तो सबसे पहले जो सेकेंडरी एजुकेशन के बच्चे हैं उनके लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के उनके लिए पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, ठीक है। सेपरेट कमेटीज़ बनानी चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट होनी चाहिए बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके अलावा बच्चों के अंदर इंटरेस्ट को क्रिएट किया जाए वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, और इसके अलावा एग्रीकल्चर और जो इस तरह की टेक्निकल कोर्सेज़ हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। अब हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस, कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया कि बच्चे के पास अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके लिए बच्चा जो है हार्डवर्क की जो हैबिट है उसको इम्प्रूव करे, उसको डेवलप करे, और वोकेशनल ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड की जाएँ, वर्कशॉप प्रोवाइड की जाएँ स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन टूल्स जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो, ठीक है, जिसको आप सेंटेंसेज के वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास, अब हमारे पास सुपरविजन और इंस्पेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास सुपरविजन और इंस्पेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोठारी कमीशन के लिए, तो ये भी आप इंक्लूड करें नोट्स के अंदर। तो इसमें क्या है, टू टाइप की इंस्पेक्शन की बात की गई, एक है एनुअल इंस्पेक्शन और एक है टेरिटोरियल इंस्पेक्शन, मींस या तो एनुअली हो या फिर 3 साल के बाद हो, और इसके अंदर क्या हो कि सर्विस ट्रेनिंग शुड बी प्रोवाइड, जो भी इंस्पेक्शन करने के लिए आए उसको सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। इसमें वीमेन ऑफिसर्स भी हो सकती हैं, और रिक्रूट करना चाहिए क्वालिटी और मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफिसर्स को, और इंक्रीज़ करना चाहिए जो इंस्पेक्टर्स हैं जो कि इंस्पेक्शन करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट बुक्स, इसके अंदर की मल्टीपल चॉइसिस बुक्स होनी चाहिए, मीन्स कि मान लो कि हमारे पास साइंस की बुक है तो उसके ऊपर 3-4 पब्लिकेशन वाली बुक्स हों, ऐसे नहीं कि एक ही बुक हो, ताकि बच्चा उसमें से चॉइस कर सके जो उसकी अंडरस्टैंड मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। फिर हमारे पास मैन्यूस्क्रिप्ट्स होनी चाहिए, मींस कि वो सजेशंस होने चाहिए बहुत सारे टीचर्स के उसके अंदर, और नॉट प्रॉफिट नॉट बेसिस लॉस बेसिस नहीं होना चाहिए, ना प्रॉफिट कमाने की इच्छा हो ना लॉस हो उसमें, इस तरह से जो टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन उसको मिलनी चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हो टेक्स्ट बुक्स इसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक है उनके लिए नई नई ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन वो ओपन किए जाए गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है डिजिटलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मेरे को आपसे एक सजेशन भी लेना था कि मैं जो कैमरा को है ऑन रखूँ या ऑफ रखूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अलग अलग मिक्स से रिव्यूज़ होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कैमरा ऑन करने से क्लास जो है वो ज़्यादा इंट्रैक्टिव लगती है, हम बोर नहीं होते हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इसलिए कि इंट्रैक्शन रहती है। बाकी अगर आपको दिक्कत हो आप मुझे ज़रूर बताना, तो मैं अपना कैमरा ऑफ रखूँगी। तो इसमें विमेन एजुकेशन के ऊपर बात की गई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इंक्लूड करना तो उसको ज़रूर इंक्लूड करना, क्योंकि वो सच में उसी के कारण कोठारी कमीशन पॉपुलर रही है, तो वो हमें पॉइंट्स लिखने चाहिए। तो वुमेन एजुकेशन को हमें ज़रूर ऐड करना है कि इसने क्या किया, कहा कि जो एजुकेशन गैप है, जेंडर गैप है, उसको रिमूव किया जाए, स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, फ्री एजुकेशन हो गर्ल्स के लिए, सेपरेट स्कूल्स हो गर्ल्स के लिए, वीमेन टीचर्स जो है उनको अपॉइंट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, डिस्टेंस क्लासेस दी जाएँ जो बच्चे नहीं आ सकते, स्कॉलरशिप एंड इंकरेजमेंट बैकवर्ड क्लासेस की जो गर्ल्स हैं उनके लिए होनी चाहिए, और इसके अलावा कोर्सेज जो हैं जो एडल्ट वीमेन्स हैं उनके लिए स्पेशल कोर्सेज जो हैं वो बनाने चाहिए। फिर हमारे पास है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए स्कॉलरशिप और इंकरेजमेंट किया जाए उन बच्चों को कि वो स्कूल्स के अंदर आएँ, प्रोविजन्स हो बुक्स का, ट्रांसपोर्ट्स का, हॉस्टल्स का, इसी से इंस्पायर होकर 1986 की पॉलिसी ने इसके ऊपर काम किया था, सजेशन दिए गए थे लेकिन काम तो 1986 की पॉलिसी ने किया। फिर है हमारे पास कि हैंडीकैप जो है बच्चे उनके लिए स्पेशल जो है प्रोविजन्स हों, स्पेशल उनके लिए जो ओवरऑल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है अब हमारे पास अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन पे कोठारी कमीशन ने कहा कि ट्रेनिंग होनी चाहिए यूथ्स के लिए ताकि वो अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकें, एक्सेलरेट प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज जो हैं स्पेशली जैसे कि एग्रीकल्चर है वो बनाने चाहिए अडल्ट्स के लिए, और प्रमोट करना चाहिए डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, और इसके अलावा जो क्रॉसपेंडेंस कोर्स हैं डिस्टेंस एजुकेशन या पार्ट टाइम जो स्कूल्स होते हैं वो उनके लिए ओपन करने चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, इसके अंदर हम सेकेंडरी, हायर और यूनिवर्सिटी लेवल को कोठारी कमीशन ने कवर
कवर किया कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए. तो वोकेशनलाइजेशन पढ़ चुके हैं, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड एस्टेब्लिश करना चाहिए जो कि स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है और उनके ओवरऑल जो भी डिफेक्ट्स हैं या जो भी उनको लेके फैसिलिटीज़ देनी है उसको कवर करें. फिर है हमारे पास हायर एजुकेशन के अंदर प्रमोट किया जा सके रिसर्च को, ठीक है, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनके ऊपर रिसर्च को प्रमोट किया जाए. वैल्यू बेस्ड और एटीट्यूड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए. फाइनेंशियली जो हमें फंड्स चाहिए वो UGC और स्टेट मिलकर दे. एस्टैब्लिशमेंट हो सेंटर्स की ताकि एडवांस स्टडी की जा सके, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा सके और इसके अंदर भी वोकेशनलाइजेशन को भी ऐड करना कि वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किए जाएँ. नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी लेवल यूनिवर्सिटी एजुकेशन. इसमें है कि न्यू यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएँ, ठीक है, जो ट्रेनिंग और रिसर्च के स्टैंडर्ड्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, एडवांस जो स्टडी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए और सपोर्ट किया जाए, ठीक है, बाय फंड्स, बाय लेके ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च होती है उसको सपोर्ट किया जाए. इसके अलावा अगर आप और भी ऐड ऑन करना चाहें तो गेम्स और स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को या फिजिकल वेलफेयर जो है वो पॉइंट्स भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड.